हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो सिलेबस हम करा रहे हैं उस सिलेबस के ही आगे के पार्ट में हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके जो भी बेसिक्स हैं उनको जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास में, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में जो देखते हैं, जैसे कि मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, खराब हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, हम देखते हैं कि आयरन का तवा है हमारे पास में, या पेन पेंसिल जो भी है, जो आयरन की चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, ह्यूमिड टेम्परेचर में खराब हो जाती हैं, यानी कि वो जंग लग जाती है उन पे। जो ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर होते हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, है ना। और आगे है फूड स्कोप, जब हम खाना बनाते हैं, तो जब हम कुकिंग करते हैं तब क्या होता है, फूड जो हमारी बॉडी में हम खाते हैं तब क्या होता है, और हम जब हम सांस लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब एक केमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये जो सारी इस सिचुएशंस आपने देखी हैं, इन सब में क्या है कि केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होगा वो सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ बताया गया है एक केमिकल रिएक्शन कब होगी, चेंज अकर्स, जब क्या हो, एक चेंज हो, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। जब एक चेंज होगा तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ है, इसमें क्या दिखाया गया है कि हमारे पास में क्या है, एक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, यानी कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया है, उसको हमने बर्न किया, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन अ एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को गर्म करना है, गर्म नहीं बोलेंगे, तरीके से जलाना है। जलाने के बाद में क्या करना है, उसमें से क्या है, उसके जो फ्यूम्स निकलेंगे, यानी कि जो पदार्थ हमारा मिला है उसको हमने क्या है, एक कंटेनर में रख लेना है। अब जो कंटेनर में हमने रखा है वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या मिलेगा हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब जब हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई है तो उसके बाद में हमने किन किन चीज़ों को उसमें से ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब ये है कि हमारी, मान लीजिए हमारा जो केमिकल रिएक्शन जब होती है, यानी कि हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, एक होता है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इनकी कुछ स्टेट भी रही होगी। स्टेट का मतलब क्या है, या तो ये सॉलिड रहेगा, या ये लिक्विड हो सकता है, या ये गैस फॉर्म में हो सकता है। तो हो सकता है कि जब केमिकल रिएक्शन बने या केमिकल रिएक्शन हो तो क्या हो, हमारी स्टेट में चेंज आ जाए। तो वही बात यहाँ बता रहा है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है कि उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, जैसे सॉलिड था तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड था तो गैस हो जाए, इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट है चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन कलर भी तो ऑब्वियसली बात है हो सकता है, यानी कलर भी चेंज हो सकता है। नंबर थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी एक गैस निकलेगी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग में। नेक्स्ट है चेंज इन द टेम्परेचर। हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, जब हम केमिकल रिएक्शन हो तो हो सकता है उसमें टेम्परेचर में भी चेंज आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप इस ये देखो, इसमें से लिखने का पॉइंट क्या है, ये चारों पॉइंट लिखने के थे। आप कैसे लिखेंगे इसको कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, व्हाट विल हैपन इफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो उसमें आपको ये चार पॉइंट डालने हैं और इनको समझा मैंने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, जो हमारी जो रिएक्शंस है ना उनको हमने एक फॉर्म में लिखना है, उनको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो उसको हम लिखेंगे पूरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
गिव्स अस, तो ये क्या है, ये एक लिखने का तरीका है। अब हमने इनको क्या कर दिया, हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जैसे देखिए, मैग्नीशियम के लिए Mg का यूज किया, ऑक्सीजन के लिए O2 का यूज किया, तो ये क्या है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है। तो बस यही वाली चीज यहाँ पे ये समझाएगा कि आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में हमने जो चीजें मिलानी है उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और बाद में हमें जो चीज मिलने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे आपको बताया गया है कि, हाँ, तो क्या बताया है कि द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी एरो से इधर लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स, इधर लिखेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब वहां पे देखो हमने क्या लिखा था, हमने जो हमारा जो सब्सटेंस था यानी जो रिएक्टेंट था उनका पूरा नाम लिखा था, मैग्नीशियम लिखा था पूरा, फिर ऑक्सीजन लिखा था पूरा, ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा पूरा। लेकिन अब क्या है, इस तरीके से तो हमेशा लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलों का यूज करेंगे, जैसे कि Mg+O2, ठीक है, तो MgO बना। इस तरीके से क्या है, हम इन फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं जिससे कि हमारी जो इक्वेशन थी वो इजी हो जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि एक वैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हमको ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो हमारा, हमने क्लास नाइन्थ में, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मास कैन, देखो यहां लिखी हुई है नीचे, मैं आपको दिखा दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को एक केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है। समझ में आई ना बात, अगर आपके पास में क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, वाई एक केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ये क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको लिखना है बिकॉज ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट फॉलोज, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है, वो होता है व्हाट इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये पेपर में पूछा जा चुका है 2014 में, और उसमें कई बच्चों को ये पता नहीं था स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है। तो स्केलेटन इक्वेशन बहुत सिंपल सी बात है कि जब एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस नहीं है तो उसको क्या बोलने वाले हैं, हम स्केलेटन इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। यहाँ से आपको कौन सी चीजें लिखनी है, एक लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड चीज आपको लिखनी है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसमें आप लिखेंगे कि द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी मास अगर सेम नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। यहां से आपको एक चीज और समझनी है, जो स्केलेटन इक्वेशन है ना वही क्या है, हमारी नॉन बैलेंस्ड यानी जो बैलेंस नहीं है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो ये वाली बात आपको सेम चीज समझनी जरूरी है। अब यहां से अगला पॉइंट है, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के बाद में जो नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको एग्जाम्पल दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो हमने क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब ये क्या है,
ये तो हमने डायरेक्ट उन एलिमेंटों के नाम लिख दिए और हमने बता दिया कि ये वाली चीजें इनसे बनने वाली हैं। लेकिन हम इसी को क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला बेस्ड लिखेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड लिखने के लिए हमने क्या लिया, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये अगर आप देखो क्या यहाँ से इक्वेशन याद करेंगे ना, तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये एक इजी इक्वेशन है और आगे आपको जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी आपको ये यूज़ करने वाली है। तो इसको आप अभी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ईजीली और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखो बात आती है कि अभी तक हमारा क्या था, अभी तक हमने देखा कि स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि हमको एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि हम जो केमिकल इक्वेशन थी उसको बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो हमारे पास में बुक में दे रखे हैं कुछ मेथड्स। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि रख रख के देखना। रख रख के देखने से क्या मतलब है कि भाई हम क्या करेंगे, हम एटम को बढ़ा के घटा के देखेंगे खुद से। वो मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये इक्वेशन का इसमें एग्जांपल दिया है, अब इसको हम देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन वैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एलिमेंट की टेबल बनानी है, रिएक्टेंट साइड में एटम्स लिखने हैं और प्रोडक्ट साइड में एटम्स लिखने हैं। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, जिंक, तो हमने यहाँ जिंक लिख लिया। फिर क्या है यहाँ, हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया। फिर यहाँ क्या है, सल्फर, तो हमने सल्फर लिख लिया। फिर क्या है इसमें, ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, अब हमारा जो हमें देखना है, अब हमें प्रोडक्ट साइड देखना है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, हमारा जिंक है, तो जिंक कितना है, तो जिंक है हमारा 1। सल्फर कितना है, सल्फर के 2 हैं। ठीक है, और थर्ड वन है सॉरी सॉरी हाइड्रोजन 2 है और सल्फर है हमारा 1, और ऑक्सीजन इधर कितना है हमारा, 4 है। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ये हमारा चार्ट बना लिया। अब हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या ये सेम है। तो यस दिस इज वन, दिस इज वन, नेक्स्ट 2 एंड 2, यस 1 एंड 1, एंड नेक्स्ट है 4 एंड 4। यानी कि ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। तो ये हमारे लिए फार बेटर है कि पहले से ही बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए, अब हमारे लिए क्या है, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दे रहा है, वो ये है, Fe+H2O गिव्स अस Fe3O4+H2। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे देखेंगे। अब अगर मैं पहली जो इक्वेशन थी उसको हम यहाँ देखें और जो बैलेंस्ड रहेगी उसको देखें, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें समझनी है। वो चीज़ें क्या हैं, या स्टेप भी बोल सकते हैं उनको हम, फर्स्ट स्टेप। तो हमको देखना है, टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेज ईच अराउंड द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इन द बॉक्स। देखो क्या है, हम फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला कांट बी चेंज, फॉर्मूले में चेंज नहीं माना जाएगा, यानी फॉर्मूला अगर आप चेंज करोगे तो वो गलत माना जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है ये चीज समझनी है। तो फॉर्मूले का मतलब है, जैसे आपने देखो यहाँ Fe+H2O है, आप बोलते हो कि भाई ऐसा करते हैं इसको Fe O4 कर देते हैं, या आप बोलते हो कि H2O को हम बोलते हैं H2SO4 कर दें। तो ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एलिमेंट है उसके आगे, नॉट पीछे, सिर्फ आगे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर बढ़ा सकते हैं, यानी आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर्मूले को ही चेंज कर दें, यानी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब वही काम करना है जो हमने पहले वाली इक्वेशन में आपको बताया था,
एलिमेंट का नाम लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स लिखना है इन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, ये दोनों चीज़ें हमने लिख लेनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला Fe, Fe मतलब आयरन, ठीक है। Fe का मतलब क्या है, आयरन यानी लोहा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब हम रिएक्टेंट साइड में हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो देखो इधर Fe, रिएक्टेंट साइड मतलब ये साइड, इधर Fb कितना है, दिस इज वन, दिस इज वन। हाइड्रोजन कितना है, एच टू है, कितना है एच, तो यानी कि हाइड्रोजन इज टू। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ वन है, तो हमने वन लिख दिया। अब हमने देखना है प्रोडक्ट साइड को, तो प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। एफ ई थ्री मतलब जो आयरन है वो थ्री है, तो हमने लिख दिया थ्री। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा कितना है, तो फोर, तो हमने फोर लिख दिया। और बीच में हमारा हाइड्रोजन रह गया, तो अब हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन कितना है हमारा, टू है, तो हमने टू लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या कह रहा है आपके लिए, कन्वीनियंट रहेगा क्या, टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो वहां से आप करें तो फार बेटर है, अदरवाइज ना भी करेंगे तो आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप हर इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। अब देखिए क्या करते हैं हम, अगर हमने यहाँ पे फोर लगा दिया, मैंने फोर लगाया क्यों, पहले ये चीज आपको समझनी है। अगर हम अनबैलेंस को देखें तो यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे फोर यानी रिएक्टेंट साइड में फोर है, इधर वन है, तो हमने क्या किया, फोर लगाया जिससे ऑक्सीजन में क्या जाए, चेंज आ जाए। तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा एट तो हाइड्रोजन हो गया और फोर ऑक्सीजन हो गया। देखो जब क्या है, जैसे आपके एच टू दे रखा है और मैंने लगा दिया कि फोर, तो अब क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे एट। अगर क्या होता है कि अगर मैंने एच फोर एच टू ओ है, अगर मैंने यहाँ ओ लगाया तो फोर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इनको ऐड करना है, यानी कि जब आप फोर लगाएंगे तो ये एट हो जाएगा, और तब आप इसमें फोर लगा रहे हैं तो ये सिर्फ फोर ही हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। अभी भी देखो क्या है, Fe बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Fe अभी भी वन है और यहाँ पे Fe कितना है, थ्री, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे क्या करना है, Fe को बैलेंस करना है, तो Fe को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, थ्री लगा दिया। अब यहाँ थ्री लगाया तो इधर का बैलेंस बिगड़ गया, तो अब मैंने यहाँ क्या, फोर लगाने की कोशिश की। देखो अब बैलेंस हो चुका है या नहीं, अब हम ये समझेंगे। तो यहाँ पे ये बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब देखो हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे जो चीज़ें थी वो क्या सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, तो यस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे थ्री Fe है, Fe थ्री, ये सेम है। यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे H एट है, और यहाँ पे भी H कितना हो गया, एट। देखो फोर एच टू, मैंने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये एट हो चुका है। और यहाँ पर भी ये क्या है, एच इंटू फोर, तो ये क्या हो चुका है, एच इंटू टू, सॉरी एच इंटू टू, तो यानी कि फोर इंटू टू, तो ये भी एट, यस। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, फोर, ऑक्सीजन यहाँ क्या है, फोर, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन फोर है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप बैलेंस करने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और CBSE ज्ञान डाल दीजिएगा, आपका वो वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, उसको हमें समझना है। अब देखो क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि वेन द ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर क्लोरोफिल इटीसी, यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो CO एंड H2। अभी हम बैलेंस को बाद में देखेंगे, बैलेंस कैसे करना है क्या करना है उस चीज़ को हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। समटाइम्स द कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, अब आप समझ में नहीं आया होगा कि ये कैटलिस्ट क्या है, वॉट इज कैटलिस्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है
कई बार पेपरों में पूछा गया है कि व्हाट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, बट वो उस रिएक्शन को, स्पीड को तेज या धीमी कर देते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज या धीमा कर देते हैं। जैसे आप बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, एक दूसरे इन्फ्लुएंस करने वाला, उसी तरीके से कैटलिस्ट होता है, उसकी रिएक्शन को तेज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का, यहाँ से क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछता है कि बताओ भाई फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसकी हमें पूरी प्रोसेस बताओ, और जो रिएक्शन है वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, अभी हम इस वैलेंस के बारे में नहीं, हम सिंपल रिएक्शन को देखने वाले। तो 6CO2 + 12H2, ये बैलेंस्ड ही है पहले से। अब यहाँ पे देखो, सनलाइट एंड क्लोरोफिल है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल यहाँ पे एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह यूज होगा, यानी ये इन्फ्लुएंस करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कोई रोल नहीं है, बट इसके बिना ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। तो सनलाइट चाहिए ही चाहिए हमको फोटोसिंथेसिस में, और हमको क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। ये किस में पाया जाता है, लीव्स में, किस में पाया जाता है, लीव्स, हरी पत्तियों में। और पत्तियां हरी किस कारण से दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण से। अब आता है हमारा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना, तो हमारा प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, अब अभी से याद कर लीजिए बार बार, C6H12O6। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। जिस तरीके से हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज के रूप में ही हम फूड को लेते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो हम जो भी खाते हैं उस सबका क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का एंड वाटर का। ठीक है, याद रखेंगे, आपको ऑक्सीजन याद रखना है। अब देखो, तो आपको इजीली पता है कि हमने क्या है, ऑक्सीजन को प्लांट छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं। तो आपको ये जो समझने का जो इजी तरीका मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको याद रखना है, एक सेकेंड मिटा देता हूँ इन सबको मैं। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि प्लांट क्या लेते हैं, हमको इजीली पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो बस हमने CO2 ले लिया और हमने वाटर को रिएक्टेंट साइड ले लिया, और हमको पता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है और वाटर बन रहा है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए अभी से, अगर अभी से याद कर लेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ये याद करनी ही पड़ेगी बिफोर एग्जाम। अभी जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या है, पहले जो सारी चीजें हैं, जो थीम जो दे रखी है पूरे चैप्टर की, उसको हम खत्म कर लेते हैं, और अगला वीडियो जो आएगा वो सारे क्वेश्चंस का होगा, चाहे वो बीच के क्वेश्चंस हों, चाहे वो एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट के लास्ट के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल चिंता ना करिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप दे रखे हैं, तो उन टाइप को समझते हैं। तो इनको आप, मैं इतनी आसानी से बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, अब जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएंगी। तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, पूरा वीडियो देखते रहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन, कंबाइन का मतलब जोड़ना, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि इसमें दो चीजें जुड़ रही होंगी। बस ये हमारा क्या है, हिंट पॉइंट है, अब हमें याद रहेगा कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। अब देख लेते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। देखिए यहां पे देखो, डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दे रखी है, बट हम क्या है, इसमें से हम डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आ रिएक्शन, यहां से लिखेंगे, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दैट टू और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट होंगे वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा, तभी तो चीजें जुड़ेंगी।
यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ देख लेते हैं, CaO+H2O CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस हीट, यानी हीट निकलेगी जब ये रिएक्शन होने वाली है। एक बार फिर समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नोन एज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो, एक बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दे रखी है, ये वाली बार बार CBSE ने पूछा है, करीब 20 बार पेपर में आया है। इस वाली चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इन विच इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है? 1000 टाइम पूछ चुका है NCERT CBSE में कि क्यों होता है, कैसे होता है, यानी कि दिस बॉक्स, इस बॉक्स में से 100% एक क्वेश्चन बनेगा। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बन सकता है। यहाँ से है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। आपने देखा होगा कि पहले जो पुताई होती थी, यानी अपनी जो वॉल्स को जो आप पेंट करते हैं उसके लिए जो यूज़ होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। हम जब वाइट वॉशिंग के लिए जब हम देखते थे, तो हमारा एक बॉक्स होता था इस टाइप का, उसमें क्या होता था, पानी डालते थे और जो क्या बोलते हैं उसको, पुताई बोलते थे पहले, उसके हम बड़े बड़े टुकड़े होते थे, जैसे कि खड़िया होती है उसी टाइप का, उसको इसमें डाल दिया जाता था। उसके बाद में क्या होती थी, हीट निकलती थी, काफ़ी गर्म हो जाता था ये, ठीक है। अब उसको हम क्या करते थे, उसको आप दीवारों पे लगाते हैं, तो दीवार में क्या होता है, जो शाइनी फिनिश है वो तुरंत नहीं आती, उसमें क्या होता था, 2 या 3 दिन बाद क्या आती है, शाइनी फिनिश आती है, यानी वो चमकने लग जाती है वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। जो आपके जो घरों में मार्बल लगा होता है उसका फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसका यूज वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, तो आपको ये पूरा रिएक्शन एज इट इज लिखना है। CaOH द होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गिव्स अस CaCO3 प्लस H2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में डाउन लिख लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, और एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2, यानी कि एच। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है, यहाँ H2 और O2, आपसे कोई पूछ ले कि भाई H और H2 में क्या अंतर है, या O या O2 में क्या अंतर है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए, यहाँ H2 है, H2 क्या है और O2 क्या है। देखो, जब मैं बात करता हूँ सिर्फ H की, सिर्फ H की, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। जब मैं बात करता हूं H2 की, तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और ये क्या है, एटॉमिक फॉर्म। ये एटॉमिक फॉर्म है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है, यही इनमें बेसिक अंतर है। यानी यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, और सिंपल में क्या होगा, हाइड्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन भी एक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अब बात आती है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। अब यहाँ दो चीजें पढ़ेंगे हम, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट निकले, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट निकले, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल
रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जलना, ठीक है। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो इसमें क्या है, CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, वो है कि क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये मान लीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा, मेरा गारंटी है, गारंटी से ये सवाल, मतलब ये है हर दूसरी साल में या हर साल एक ना एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से इसको लिख लेना है, याद कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको एक भी नंबर नहीं कट सके। क्या है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, यानी हमको जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, और इस जो खाने पीने की चीजें होती हैं उससे हम इस एनर्जी को गेन करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, इस डाइजेशन के अंदर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब हम पेट में खाना खाते हैं, यानी मुंह से खाना खाया और पेट में गया, अब पेट में क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। जैसे कि हमने क्या खाया, मान लो राइस खाया, पोटैटो खाया, ब्रेड वगैरह जो भी खाया, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये जो हमने खाया ये सब किस में टूटने वाला है, ग्लूकोज में। ये कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा हमारा, ग्लूकोज। मैंने अभी बताया था आपको कि हम जो भी खाते हैं वो सब क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है, यानी कि ग्लूकोज बनेगा उसका, ठीक है। हमने खाया तो वो सब क्या है, लास्ट में ग्लूकोज बनने वाला है, यानी हमारी बॉडी ग्लूकोज के रूप में ही एनर्जी को लेती है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द शेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। यही हमको क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दिस स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज द रेस्पिरेशन, यही हमारी प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या है, जो रेस्पिरेशन का है उसको हमें देखना है। तो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, याद कर लीजिए, C6H12O6, ठीक है। ये हमारा कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, यानी O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब एनर्जी जो है, यानी एनर्जी का मतलब क्या है, ये प्रोसेस कैसी हुई हमारी, एक्सोथर्मिक, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप लिखेंगे यस, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और ये रिएक्शन आप बार बार इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये पेपर में 100% आएगी। नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर मतलब क्या है, वेजिटेबल मैटर से ये मतलब है कि हम जो भी चीज़ें हमारी जो खाद्यान्न है, या मान लो आपके यहाँ घर में जो आप कूड़ा का सामान रहता है उसको सबको क्या करते, फेंकते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे मान लो आपने किसी जगह पे गोबर वगैरह है, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि ऑब्वियसली वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में चलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो नेक्स्ट टाइप है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखेंगे कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, तो देखते हैं। अब देखो अभी कम्बिनेशन में क्या था, जुड़ना, अब डिकम्पोजिशन में क्या है, टूटना। क्या मतलब है, इसका कोड वर्ड क्या है, टूटना, यानी कोई भी चीज़ दो या दो से अधिक में टूटने वाली है, तो यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी, सबसे पहले डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, यहाँ से लिखेंगे, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, दो या दो से अधिक में टूटेगा, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से समझ लेना, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास में क्या है, फेरस सल्फेट है, FeSO4, FeSO4 इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। इसको हमने हीट किया, तो हीट करने पे हमारा किस में ब्रेक डाउन हो रहा है,
Fe2O3, SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा फेरस सल्फेट। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 एंड 7S2 लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। तो ये सब चीजें ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला SO3 है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है देखो यहाँ पे कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो किस स्टेट में आपको केमिकल रिएक्शन दे देगा, और आपको चार ऑप्शंस दे देगा, आपसे कहेगा फेरिक ऑक्साइड इन द लिक्विड स्टेट, फेरिक ऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट, SO2 इन द गैस स्टेट, SO3 इन द लिक्विड स्टेट, या किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा इनमें से सही कौन सा है या इनमें से गलत कौन सा है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ना कि लिक्विड में या ना कि गैस में, और जबकि SO2 एंड SO3 आर इन द गैसियस स्टेट, यानी वो गैसेज में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो चेंजेस है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का चेंज करना है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट करते हैं। देखो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो ज्यादातर प्रोसेस जो होंगी वो हीट करने से होंगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हैं लाइमस्टोन का, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो CaO+CO2 में चेंज होता है, तो लाइमस्टोन चेंज इन द क्विक लाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दे रखा है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PVNO3 2। जब हम इसको भी क्या करेंगे, हीट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर जो भी प्रोसेसेस हैं या रिएक्शंस हैं वो सब हीट करने की हैं, तो हमारा क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेड नाइट्रेट किस किस में टूटा, लेड ऑक्साइड में टूटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटा एंड ऑक्सीजन में टूटा। इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2, this is 2, 4। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे एक बेहतरीन सा टॉपिक है आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारा जो ये सेटअप है, इस सेटअप में देखो हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होती है, दो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स को एक बीकर में डालते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं हमेशा क्या, एनोड। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनोड। ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ लिखा हुआ तो मैं यहाँ आता हूँ, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं समझनी, जो सिर्फ समझना वो सब चीज़ें ही समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाटर है, इसने वाटर लिया है, ठीक है, तो ये हमारा जो सेटअप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आता है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है, यानी अब यहाँ से आपसे सवाल पूछ लेगा कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, आपको ऑप्शन दे देगा, वाइट होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्राउन होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। लेकिन जब ये ग्रे हो जाती है इन द सनलाइट, ये याद रखना है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट, ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम इसको किस में, धूप में रख देंगे, यानी वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज हो जाएगी ग्रे में जब हम इसको धूप में रख देंगे। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन टू द सिल्वर एंड क्लोरिन बाई द लाइट। इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो है AgCl, सनलाइट में रखेंगे तो Ag+Cl2, इसको हम बैलेंस कर लेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे कि हमारा क्या कर रहा था,
सिल्वर क्लोराइड। तो ये है हमारा AgBr, इसको भी हमें सनलाइट में रखना, तो हमारा क्या बना Ag+Br2, इसको भी हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ से आता है ये बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि AgBr gives us Ag+Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होती है, उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं और किसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना, इसका कोड वर्ड है हटाना, यानी कि जो शक्तिशाली है वो दूसरे को हटा देगा। शक्तिशाली क्या करेगा, कमजोर को हटा देगा। इसमें क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को अपने फॉर्मूले से हटा देगा, यानी कि उसको भगा देगा। फिर से समझ लें, जो मजबूत है वो कमजोर को भगा देगा, इसका कोड वर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसका आप डेफिनेशन समझ लीजिए, द रिएक्शन, इसमें देखो डेफिनेशन देखते हैं दिया है क्या, अगर नहीं दिया तो मैं अच्छे से लिखा दूंगा, तो मुझे नहीं लगता प्रॉपर डेफिनेशन दे रखा है, तो आप लिख ले सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। दोबारा मैं बोल रहा हूं, द रिएक्शंस इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace a low reactive element from its solution। ठीक, अपने solution से जो high reactive element है वो low reactive element को displace कर देता है, उसको हम बोलते हैं single displacement reaction या only displacement reaction, क्योंकि अभी double displacement आने वाली है, तो आप confuse नहीं करना बिल्कुल, इसको बोलते हैं displacement reaction। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या समझाया गया है, यहाँ पे ये समझाया गया है कि हमारे पास में क्या है, Fe है और CuSO4 है, यानी CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस रंग का होता है, ग्रे ब्लू जो भी एग्जांपल देगा, तो आपको जो सबसे सटीक है वो है स्काई ब्लू। अगर ब्लू देता है तो आपको ब्लू लगाना है, अगर स्काई ब्लू हो तो स्काई ब्लू। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग स्काई ब्लू होता है। Fe+CuSO4, FeSO4+Cu। अब इसमें हमें ये समझना है कि हाई रिएक्टिव कौन था और कौन डिस्प्लेस खुद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ Fe+CuSO4 है, तो देखो Fe किससे जुड़ गया, SO4 से जुड़ गया, तो क्या बन गया FeSO4, और Cu क्या है, लो रिएक्टिव है, तो Cu क्या हो गया, डिस्प्लेस। तो यहाँ हम बताएंगे कि Cu डिस्प्लेस हो चुका है और Fe है वो SO4 से कंबाइन कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Zn+CuS, दो सेम टाइप की ही सारी इक्वेशंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, Zn+CuSO4, ZnSO4+Cu, इसमें भी क्या है, जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस हो चुका है। नेक्स्ट है Pb+CuCl2, यानी कि पीवी का फॉर्मूला, यानी पीवी किसका फॉर्मूला है, लेड का, किसका फॉर्मूला है, लेड। ये किससे कंबाइन हो रहा है, कॉपर क्लोराइड से, यानी CuCl2 से, और बना क्या रहा है हमारा, लेड क्लोराइड, और कॉपर फिर से क्या हो गया, डिस्प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये किसी भी जो भी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, और पूरा चांस है इसका आपके 2021 के एग्जाम में आने का, वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहले आप जब क्वेश्चन आएगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बोलेगा कि समझाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द एग्जांपल। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे लिखना है, मैं बता देता हूं, ये
द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो, यानी जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो यानी अदला बदली हो, उसको क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ देख लीजिए, आप इसको घोट के पी जाइए, इस रिएक्शन को याद कर लीजिए, एक दो बार लिख लीजिए, मैं इसका तरीका भी बता दूंगा आपको कैसे याद करनी है। बट ये ऐसा कोई पेपर नहीं बना जब ये रिएक्शन नहीं आई हो, 100% ये भी आपके पेपर में आने वाली है। तो ये आपका जो रिएक्शन है वो है Na2SO4 plus BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट को हमने किसके साथ रिएक्ट किया? बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। तो क्या बना? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो NaSO4 plus BaCl2 gives us BaSO4 plus NaCl। इसको क्या कर लेंगे हम? बैलेंस कर लेंगे, तो हियर इज टू। ठीक है बच्चों, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चैप्टर का लास्ट आने वाला है, हमने जो भी पढ़ाया था हम उसको ब्रीफ में एक बार ये भी समझने वाले हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, उसको एक जिस्ट के रूप में आपको दूंगा जो कि लास्ट के 5 मिनट या 7 मिनट रहेगा, और बताऊंगा कि किसमें से क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है, जिससे आप उसको बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से उसको कैसे लिखना है। तो सबसे बड़ी बात है आपके एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है चीज़ों को, वो आपको दिलाएगा बेहतरीन नंबर। अगर आप ये है कि आपको आता है लेकिन आप प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर उतने यानी चीज़ें आते हुए भी आपको नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो CBSE में यही है कि आप जो बेहतरीन लिखेगा नंबर उसी को मिलना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको इसमें क्या देखना है? ऑक्सीडेशन का मतलब है जो ऑक्सीडाइज हो, रिडक्शन का मतलब है जिसमें से ऑक्सीजन निकले यानी हट जाए। इफ इस सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। देखते हैं, इफ ए हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड ओवर हीटेड मटेरियल CuO कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। ठीक है, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस देन द कॉपर इज ऑब्टेंड। देखो यहाँ पे हमारी रिएक्शन है, यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीजन है और CuO बन रहा है यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जब हमने इसको हीट किया। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड। अब हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, यानी जो रिएक्टेंट था, जो प्रोडक्ट था, उसको हमने रिएक्टेंट बना दिया। तो CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। ठीक है, तो अब ये इसमें हम ये देखेंगे, इफ ए सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, जब ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, तो ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीडाइज्ड होगा वो। इफ ए सब्सटेंस गेट्स लूजेज ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो उसको बोलते हैं रिड्यूस या रिडक्शन। अब क्या है, ऐसी भी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी दोनों चीज़ें एक साथ हो रही, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। और रेडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे लिखना है? द रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। जब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ये रेडॉक्स का एग्जांपल रहेगा, CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है, और यहां रिडक्शन हो रहा है, जो कॉपर है उसमें से ऑक्सीजन हट रही है, सिर्फ CU बन रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है आपका बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन का। आप इसको ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ऑक्सीडेशन में लिखेंगे तब भी चलेगा, रिडक्शन में लिखेंगे तब भी चलेगा, और रेडॉक्स में लिखेंगे तब भी चलेगा, यानी एक ही से आपके 3 जगह काम बनने वाला है इस रिएक्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, ये बता दिया मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही दिया है। अब चैप्टर का लास्ट आ चुका है, यह है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है?
आपके घरों में जो कूलर है या जो भी आपकी जो आर्टिकल्स हैं जो आयरन से बनी हुई हैं, लोहे से बनी हुई हैं, उन सब में क्या हो जाता है, उनमें एक रेडिश ब्राउन क्या कोट जम जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग बोलते हैं, यानी जंग लगना। जो आयरन होता है वो क्या हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन जो सरफेस जम जाती है आयरन के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपने अपने घरों में कूलरों का जो स्टैंड है या कूलर हैं जो लोहे के हैं, उन सब में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या लग जाती है, एक कोटिंग लग जाती है, उसी कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखो कोरोजन से कैसे आपको सही, मतलब उसको आर्टिकल कैसे सही करना है, तो आप सीधे सीधे है कि आपको उसमें क्या पेंट कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप कोरोजन से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एनसीईआरटी चैप्टर। तो व्हेन द फैट्स गेट ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब क्या होता है, जो फैट्स हैं जैसे अचार टाइप चीज़ें हैं ना, वो सब आपकी क्या हो जाती हैं, उनमें जो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, ऑक्सीडेशन से क्या है, वो ख़राब होने लगती है। तो हम उनको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं, उससे क्या होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी वो ख़राब नहीं होती है। जैसे अचार हुआ या आप जो खाने के लिए पैकेट लाते हैं, उसमें सब में क्या है, हवा भरी होती है, तो हवा नहीं बोलेंगे उसमें, हम बेसिकली ये बोलते हैं नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है। तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन से उस चीज़ को रोक देती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो सामान है हमारा, जो भी खाने का है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको जो सामान है उसमें जो एयर का बताया मैंने वो, और इसके अलावा आप कर सकते हैं कि ऑयल में चीज़ों को रखना, जैसे अचार वगैरह को, तो वो क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन उसका रुक जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें थी वो बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार समझ में आ जाएँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, तो केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहला था कि जो रिएक्शन हो उसमें क्या हो, चेंज इन द स्टेट, यानी स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, गैस में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, यानी इन सब में अगर चेंज हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, यानी रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट था हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में था। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो रिएक्टेंट कहलाती हैं, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो प्रोडक्ट कहलाती। नेक्स्ट है आपका एक केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया था एक स्केलेटन रिएक्शन होती है और एक रिएक्शन होती है जिसको हम बैलेंस्ड बोलते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो जो नॉन बैलेंस्ड होती है, ठीक है, जो नॉन बैलेंस्ड है उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट था आपका कि हमको एक केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, तो हमको इसलिए बैलेंस करना चाहिए क्योंकि वो क्या फॉलो करे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट था हमारा कैसे बैलेंस करना है, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा आपके चैप्टर में है कि रेस्पिरेशन जो है वो, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं, अभी यहाँ पे है आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है तो उसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट था आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका क्या था कि कंबिनेशन रिएक्शन थी, जिसमें कि हम क्या था कि हमारा जो दो चीज़ें थी, यानी दो रिएक्टेंट थे, वो मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन, यानी जुड़ना, जिसका हमारा कोड वर्ड था, ठीक है। आगे था हमारा कि हम पुताई वगैरह जो घरों में करते हैं अपनी वॉल्स की, वो कैसे करते हैं, उसकी रिएक्शन थी ये। इसके अलावा हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी जिसमें हमने बताया था कि जो हम खाते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पेट में ब्रेक डाउन होती हैं, वो ग्लूकोज में चेंज होती हैं, ग्लूकोज में होने के बाद में क्या है, वो सब क्या है, हमारी बॉडी की सेल्स को क्या प्रोवाइड कराती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, और ये क्या हमारा कहलाएगा, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन होना, जो खाने की चीज़ें हैं
उन सब का, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल में क्या था, डिकम्पोजिशन का मतलब ये था कि भाई हमारे पास में एक रिएक्टेंट था, उसको हम कई में बदल रहे थे, यानी कई सारी रिएक्टेंट में वो टूट रहा था, उसको हम डिकम्पोजिशन बोल रहे थे। नेक्स्ट था हमारा, हाँ यहाँ से देखो कि फोटोग्राफी में किस किस रिएक्शन का यूज़ होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, इसका कोड वर्ड हमारा था हटाना, इसका कोड वर्ड क्या था, हटाना, यानी एक आदमी दूसरे को हटा देगा, यानी शक्तिशाली जो बिना शक्तिशाली है उसको हटा देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, ए अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। इसके एग्जांपल थे Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, या बुक के भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है कि हमने बताया था कि इसका डेफिनेशन था, जब आयंस का चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और एक चीज़ जो हमारी शायद रह गई है, वो मुझे लगता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हमारा रिएक्शन हुई उसके बाद में हमारे कंटेनर में जो बच गया उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो शायद ये पहले रह गया है, अब मैंने यहाँ दोबारा कवर कर दिया है, ठीक। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक्सचेंज ऑफ आयन, सबसे सरल डेफिनेशन है इसकी, बस इतना याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयन जिस रिएक्शन में होता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें से आपने मैंने क्या बताया था, यहाँ से था, इफ अ सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीजन एंड लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज गॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। सीधा सीधा ये है कि अगर ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड, एंड ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिड्यूस्ड, यानी रिडक्शन, ठीक है। फिर कोरोजन था, तो कोरोजन में हमने क्या क्या बातें करी थी कि जो जंग लगती है वही कोरोजन होता है, कोरोजन को हम कैसे कैसे सही कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। इसके अलावा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जो है आपके जो फूड आइटम्स हैं उनका स्लो डाउन डिग्रेड होना यानी ख़राब होना, उसको हम रेंसिडिटी बोलते थे। तो आपका चैप्टर पूरा मैंने विस्तार से आपको समझाया है, अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको भी पसंद नहीं आया हो या जो भी कमी लगी हो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर बिल्कुल पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।